धनबाद के बरबारी गांव में सड़क के किनारे सूप बिन रहे इन परिवारों की जिंदगी बांस से बनी सूप, डगरा और टोकरी के भरोसे ही चल रही है। आजीविका के मुख्य साधन और कड़ी मेहनत के बावजूद उचित कीमत नहीं मिलने से ये लोग परेशान हैं। इस काम में लगी महिलाओं और पुरुषों की माने तो जितनी मेहनत वो लोग दिन भर करते हैं उस हिसाब से मेहनताना नहीं मिलता। मजबूरन परिवार चलाने के लिए सस्ते दामों पर ही बांस से बने सूप और टोकरी को बेचना पड़ रहा है। इससे घर परिवार चलाना काफी तो मुश्किल होता होगा। इससे भी हम लोग चलाता है। इन लोगों के मुताबिक पहले की तुलना में अब बांस महंगे हो गए हैं। पहले जो बांस 20 से 25 रुपए में मिल रहे थे अब उसकी कीमत 30 से 40 रुपए हो गई है। इसके बाद दिन भर पूरा परिवार इस काम में लगा रहता है तब जाकर एक टोकरी बनती है। उसके बाद जो उनकी कमाई होती है वो काफी निराश करने वाला होता है। किसी तरह चल जाता है हम लोग का, लेकिन किसी तरह से हम लोग को सरकार से कुछ फैसिलिटी मिल जाता तो अच्छा होता। हम लोग को कोई लोन वोन हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग का ऐसा मुसीबत है, अभी बांस का भी रेट बढ़ गया। हम लोग खरीदारी में हम लोग को परेशानी लग रहा है। गरीबी और मुफलिसी में जीवन जी रहे बांस के कारीगरों ने सरकार से मदद की मांग की है। इनके मुताबिक इनके पास पूंजी का अभाव है। अगर सरकार इनकी मदद करती है तो ये अपने हाथ से बनाए सामानों को वैसी जगह बेचेंगे जहाँ इनकी उचित कीमत उन्हें मिल सके। बहरहाल जो भी हो, सरकार इनकी मदद करती है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अभाव में जी रहे ये लोग शायद ही अपनी अगली पीढ़ी को इस काम में लगने के लिए प्रेरित करेंगे। संतोष कुमार, ETV भारत, निरसाद, धनबाद।